गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम चैप्टर 12 आवर लोकल बॉडीज़ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, जिन्हें हम शॉर्ट में MCQ कहते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट है, इन विलेजेस द इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस इज कॉल्ड डैश। गांव के अंदर जो चुने हुए लोगों का समूह होता है उसको कहते हैं क्या? विलेज पंचायत, म्युनिसिपल कमेटी, जिला परिषद या नन ऑफ देम। तो बताइए बच्चों, यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर आएगा विलेज पंचायत। जो गांव के अंदर चुने हुए लोगों का समूह होता है उसको हम विलेज पंचायत कहते हैं। सेकंड देखिए बच्चों, अ कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन मस्ट बी डैश ऑफ एज। जो उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े होते हैं उनकी उम्र होनी चाहिए कितनी? 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स या नन ऑफ देम, कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 21 ईयर्स। जो उम्मीदवार इलेक्शन के लिए चुनाव के लिए खड़े होते हैं उनकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। थर्ड देखिए बच्चों, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत आर कॉल्ड। जो पंचायत के अंदर चुने हुए मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पंच, MLA, MP या नन ऑफ देम। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम पंच कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच। तो आप A पर राइट का निशान लगाएंगे। फोर्थ देखिए बेटा, द विलेज पंचायत इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। विलेज पंचायत जो होती है उसको हम और क्या कह सकते हैं? ग्राम सभा, जिला परिषद, कमेटी या नन ऑफ देम। तो बच्चों, जो विलेज पंचायत होती है उसको हम ग्राम सभा भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप ग्राम सभा पे टिक लगाएंगे। फिफ्थ देखिए बेटा, द म्युनिसिपल कमेटीज इन बिग सिटीज आर कॉल्ड। देखिए बच्चों, जो म्युनिसिपल कमेटी होती है बड़े बड़े शहरों के अंदर, मतलब कि नगर समिति होती है जो बड़े बड़े शहरों के अंदर, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, मैनेजमेंट, म्युनिसिपल बोर्ड्स या फिर नन ऑफ देम। क्या कहा जाता है बच्चों? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है, नगर निगम कहा जाता है। तो आप यहाँ पर A पर टिक लगाएंगे। सिक्स्थ देखिए बच्चों, ग्राम सेवक्स आर अपॉइंटेड बाय। जो ग्राम सेवक्स होते हैं गांव के अंदर वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ग्राम पंचायत के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा या नन ऑफ देम, कोई भी नहीं। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे आंसर? गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर B पर टिक लगाएंगे। जो ग्राम सेवक्स और सेविका होती हैं उन्हें गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सेवंथ देखिए, द मेंबर्स ऑफ अ म्युनिसिपल कमेटी आर इलेक्टेड बाय द। जो नगर समिति के सदस्य होते हैं वो किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं? विलेजर्स, पीपल ऑफ द सिटी, MLA या नन ऑफ देम। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? पीपल ऑफ सिटी। जैसे कि आपको पता है कि म्युनिसिपल कमेटी, नगर समिति कहाँ पर होती है? शहरों में होती है, ठीक है। तो जो नगर समिति के जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो शहर की जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। तो आप B पर टिक का निशान लगाएंगे। एट्थ देखिए बच्चों, द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड डैश। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं, जो नगर निगम के हेड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है उन्हें? मेयर, चेयरमैन, MP या नन ऑफ देम। क्या कहा जाता है बच्चों?
जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम के हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, उन्हें हम मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर। तो आप ए पर टिक का निशान लगाएंगे। नाइन्थ देखिए बच्चों, द मेंबर्स ऑफ अ विलेज पंचायत आर इलेक्टेड बाय पीपल हु आर अबव डैश ईयर्स ऑफ एज। जो विलेज पंचायत के सदस्य होते हैं, ठीक है, जो विलेज पंचायत के सदस्य होते, उन्हें चुना जाता है उन जनता द्वारा, उन लोगों द्वारा जिनकी उम्र कितने साल की होती है, कितने साल से ऊपर की होती है, 21, 20, 18 या 27। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 18। जो विलेज पंचायत के सदस्य होते हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, उनकी जो उम्र होती है, जो जनता उन्हें वोट देती है, उनकी जो उम्र होती है वो 18 साल से ऊपर होती है, ठीक है। 18 साल से ऊपर के लोग ही विलेज पंचायत के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सी पर टिक लगाएंगे। टेंथ देखिए बच्चों, टैक्सेस आर लिवॉइड ऑन डैश, ठीक है। जो टैक्स लगाया जाता है, जो कर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है? पानी पर, इलेक्ट्रिसिटी बिजली पर, एंटरटेनमेंट मनोरंजन पर, ऑल ऑफ दीज या सब पर। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। जो कर लगाया जाता है वो सब पर लगाया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि आपके घरों में पानी की, मीठे पानी की जो होती है मोटर होती है, तो उसका बिल आता है आपके पास मीठे पानी का, जिसे आप पीते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, जो आप बिजली यूज़ करते हैं, जिससे आप टीवी चलाते हैं, जिससे आप कंप्यूटर चलाते हैं, जिससे अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, फ़ैन चलाते हैं, ठीक है, ये सब जो आप चलाते हैं, उस बिजली का बिल आता है ना आपके पास। एंटरटेनमेंट, जो आप मनोरंजन के लिए कर देते हैं, ठीक है, तो टैक्सेस आर लिवर्ड ऑन ऑल ऑफ दीज। सब पर टैक्स लगाया जाता है, वाटर पे भी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी, एंटरटेनमेंट पे भी। तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे डी पर, ऑल ऑफ दीज पर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत डैश टू डिस्कस डिफरेंट वेलफेयर स्कीम। जो विलेज पंचायत के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो डिस्कस करते हैं अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, ठीक है। यहाँ क्या आएगा बच्चों? नेवर मीट, सेल्डम मीट, डेली मीट या मीट रेगुलरली। क्या पे क्या आएगा बच्चों? मीट रेगुलरली। तो आप मीट रेगुलरली पर टिक लगाएंगे। देखिए, जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं विलेज पंचायत के, वो रोज़ मिलते हैं, मीट रेगुलरली रोज़ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं वेलफेयर स्कीम के, स्कीम्स के बारे में, मतलब कि कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। ट्वेल्थ देखिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी। जो नगर निगम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, वो क्या क्या कार्य चलाते हैं, ठीक है। ए, इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन द सिटी। इट वर्क्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड स्ट्रीट लाइट्स। इट रन्स स्कूल्स एंड लाइब्रेरी या ऑल ऑफ दीज। देखिए बच्चों, जो म्युनिसिपल कमेटी, जो नगर समिति होती है, वो क्या क्या कार्य करती है? वो क्या सिर्फ पीने के पानी का अरेंजमेंट करती है, या फिर रोड और स्ट्रीट लाइट का रखरखाव करती है, या वो सिर्फ स्कूल चलाती है, या वो सारे काम करती है? ये तीनों काम जो आपको बता रखे हैं ऊपर, वो सभी काम करती है, बताओ। तो बच्चों यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ दीज। तो आप यहाँ पर डी पर टिक लगाएंगे। बच्चों, जो म्युनिसिपल कमेटी होती है, जो नगर समिति होती है, वो ये सारे काम करती है, ठीक है। वो पानी का अरेंजमेंट भी करती है आप लोगों के लिए पीने का, वो रख रखाव भी करती है रोड का और स्ट्रीट लाइट का, जब कभी रोड ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको ठीक कराती है, रिपेयर कराती है,
या फिर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं तो उनकी जगह नई स्ट्रीट लाइट्स लगवाती हैं या फिर उनको ही ठीक करवाती हैं, ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स चलाती हैं और लाइब्रेरी चलाती हैं जहाँ पर आप जाकर आप शांति से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो म्यूनसिपल कमेटी होती है, जो नगर समिति होती है, वो ये सारे काम करती है। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कि आपको लेसन 12 के ये सारे MCQ और बुक वर्क लर्न करना है, ताकि जब मैं कल आपका ऑनलाइन क्लास में टेस्ट लूँ तो आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। थैंक यू।